भारत में मलेशिया से आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची जा रही है और इस काली करतूत को अंजाम देने के लिए बकायदा मलेशिया से फंडिंग भी हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में आतंकी हमले के लिए हुए लेन देन के तार जाकिर नायक सहित कई आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा खुद भारत की खुफिया एजेंसी ने किया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत को एक बार फिर दहलाने की कोशिश हो रही है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलने की स्क्रिप्ट कहीं और नहीं बल्कि मलेशिया में लिखी जा रही है। जी हाँ, इस बात का खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने किया है। रॉ के खुलासे में मलेशिया से भारत में हमले के लिए होने वाली फंडिंग की एक कड़ी का पता चला है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। पता चला है कि भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए मलेशिया से $2,00,000 यानी 1,47,00,000 रुपए की फंडिंग की गई है और भारत में आतंकी हमले के लिए हुए इस लेन देन के तार जाकिर नाइक सहित कई आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जांच के मुताबिक ये आर्थिक लेन देन कुआलालपुर के रोहिंग्या नेता मोहम्मद नासिर और आतंक समर्थक जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में म्यांमार में एक महिला को ट्रेनिंग दी गई है, उसे हमला कराने वाले ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में चेन्नई के एक हवाला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि भारत में साजिश रचने की इस रकम का कुछ हिस्सा उसके पास भी आया था। बताया जा रहा है कि हमले की साजिश में शामिल आतंकी बांग्लादेश या नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकते हैं, जहां नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं बांग्लादेश में भी इस्लामी कट्टरता हावी हो रही है। इस बारे में पुलिस और राज्य के खुफिया विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। बीती रात दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब और वेस्ट बंगाल में सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी गई है, क्योंकि इस आतंकी साजिश के तहत दिल्ली, अयोध्या, बोधगया, पश्चिम बंगाल और श्रीनगर के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि मलेशिया और तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों का हब बनते जा रहे हैं और एक के बाद एक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वहीं आतंकी संगठन अपने काले कारनामों को अंजाम ना दे पाए, उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। भारत से कई बार लताड़ खाने के बाद भी मलेशिया सुधरने का नाम नहीं ले रहा और अब भारत में आतंकी साजिश के लिए वहां से $2,00,000 की रकम की फंडिंग हुई। हैरानी की बात तो ये है कि आतंकी समूह ने मलेशिया में एक महिला को भी कड़ा प्रशिक्षण दिया है। यही महिला भारत में होने वाले आतंकी हमले की साजिश का नेतृत्व करेगी, जिससे जाकिर नायक के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां मलेशिया के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार हो गई हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।